आयोजक क्लोविया, हैप्पी इज माय सुपर पावर। हम आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग को बैन करने के आरोप पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी प्रतिक्रिया, कहा किसी गाने पर कोई रोक नहीं, पता नहीं बैन शब्द कहां से आया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी पी कृष्णमूर्ति बोले लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी, सुरक्षा और गर्मी को लेकर किए पुख्ता बंदोबस्त। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी के कुनबे में बढ़ोतरी, वीरेंद्र सचदेवा ने कई नेताओं का पार्टी में शामिल कराया। दिल्ली बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन, आरक्षण को लेकर घोषणा का विरोध किया। हिसार के आदमपुर में बीजेपी ने दिखाया दम, एक मंच पर दिखे मनोहर लाल, रणजीत चौटाला, कुलदीप और भव्य बिश्नोई। आदमपुर से बीजेपी विधायक भव्य बिश्नोई बोले पार्टी को लेकर नहीं कोई गिला शिकवा, रणजीत चौटाला जीतना ही टाल गए। पलवल में बोले फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, महेंद्र प्रताप का कोई मुकाबला नहीं, इस क्षेत्र में नहीं किसी दूसरे की बचेगी जमानत। सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली ने किया धुआंधार प्रचार, कहा देश में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ही है लहर। करनाल उपचुनाव में कांग्रेस का किसी से गठबंधन नहीं, उपचुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी उतार सकती है अपना उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में बढ़ा कुनबा, जेजेपी को छोड़कर सरदार निशांत सिंह ने थामा कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस को मिल रहे समर्थन से साफ कि हरियाणा में कांग्रेस की ही बनेगी सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बयान। कांग्रेस में निशांत सिंह समेत कई नेताओं की ज्वाइनिंग पर उदयभान बोले कांग्रेस की बढ़ रही लोकप्रियता, चुनाव के समय ज्वाइनिंग से मजबूत होगी पार्टी। जेजेपी ने 5 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी, अंबाला से किरण पुनिया, कुरुक्षेत्र से पाला राम सैनी के साथ साथ कई सीटों पर कई उम्मीदवार घोषित। गुरुग्राम से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर हमलावर, जेजेपी उम्मीदवार राहुल फाजलपुरिया कहा 10 साल में कुछ नहीं किया काम। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस, दिल्ली पुलिस ने 1 मई को जांच के लिए बुलाया। फेक वीडियो मामले में असम पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। झंझारपुर से अमित शाह ने फेक वीडियो को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, बोले आरक्षण पर विपक्ष की घटिया सोच। फेक वीडियो पर बोले पीएम मोदी, कहा मेरी आवाज में डाली जा रही भद्दी भद्दी चीजें, वीडियो देखने पर पुलिस से करे शिकायत। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम मोदी की हुंकार, जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर वार, कहा इंडिया गठबंधन में पीएम के नाम पर महायुद्ध चल रहा। पीएम मोदी ने कहा देश के सामने आई इंडिया गठबंधन की सच्चाई, मोदी को नई नई गाली देना इनके एजेंडे में शामिल। पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका हुई खारिज, हाईकोर्ट ने याचिका को बताया गलत, कोर्ट चुनाव आयोग को नहीं दे सकता निर्देश। गृहमंत्री अमित शाह का विपक्षी गठबंधन पर हमला, राहुल स्टालिन ममता देश नहीं संभाल सकते। राहुल गांधी ने गुजरात के पाटन में जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी आरएसएस आरक्षण खत्म करने की कर रहे बात। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा में की जनसभा, किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, बोले बीजेपी की सरकार में 1 लाख किसान ने खुदकुशी की। अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, सोर्सेस से खबर, रायबरेली जीते तो प्रियंका के लिए छोड़ेंगे वायनाड सीट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, इंदौर से प्रत्याशी अक्षय कांति ने वापस लिया नामांकन, कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला के साथ सामने आई तस्वीर। लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया नामांकन, यूपी और उत्तराखंड के दोनों सीएम रहे मौजूद। अमेठी सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने भरा पर्चा, प्रस्ताव सुरेश पीसी और सीएम मोहन यादव रहे मौजूद। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर ओवैसी का हमला, नफरत की राजनीति करते हैं पीएम मोदी, बात मंगलसूत्र की करेंगे तो दूर तक जाएगी। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी ने किया डोर टू डोर कैंपेन, साथ ही पार्टी कार्यकर्ता रहे मौजूद, बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता है टक्कर में।